देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, इंटीग्रल एक्स की पावर -6 वन प्लस टू एक्स क्यूब होल की पावर 2/3 और डी एक्स। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ये वन प्लस टू एक्स क्यूब होल की पावर 2/3 एक्स की पावर 6 को नीचे ले लिया डी एक्स। ठीक है, ऐसा देखो हमने यहाँ पर कर दिया। देखो ध्यान तो बच्चों, अब जैसे यहाँ पर पूरे की पावर फ्रैक्शन तो है, लेकिन देखो एक्स की पावर 6 अभी नीचे है ना। देखो एक्चुअली एक्स की पावर 6 नीचे है, तो देखो इसमें हम लोग है ना एक काम देखो ये कर सकते हैं कि देखो जैसे ये पूरे की पावर 2/3 यहाँ पर है ना। देखो हम एक काम करें कि 1 + 2x³ को t की पावर 3 मान लें, क्योंकि देखो पूरे की पावर ये फ्रैक्शन है ना। इसको हमने पूरे की t की पावर 3 मान लिया। ठीक है, देखो अब अच्छा एक काम देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। देखो जैसे इसमें एक तरीका ये होता है कि एक्चुअली एक्स की बहुत ज़्यादा पावर नीचे है, तो आप सबसे पहले एक्स को 1/t मान लो। इससे क्या होगा, डी एक्स बराबर -1/t² dt। देखो ये बात मैंने बताई थी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कि एक्स की बहुत बड़ी पावर नीचे है, तो आप एक्स को 1/t मान के इस पावर को ऊपर भेज दो। देखो इससे क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ रखो तो क्या होगा, देखो ये हो गया 1 प्लस, देखो ये एक्स की वैल्यू 1/t है, तो 2/t³ होल की पावर 2/3, एक्स को माना है 1/t, तो ऊपर जाके टी की पावर 6, और देखो डी एक्स हो गया -1/t² और dt है ना। एक्स को 1/t माना तो टी की पावर 6 ऊपर है, एक्स को 1/t ले लिया तो 1 + 2/t³ पावर 2/3 टी की पावर 6 ऊपर, और देखो ये वैल्यू। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए इसको, ये हो गया 1 + 2/t³ होल की पावर 2/3, और देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, ये हो जाएगा टी की पावर 4, माइनस बाहर, और हो गया टी की पावर 4 और dt है ना। ऐसा देखो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है ना, देखो ध्यान दो। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे ये पूरे की पावर फ्रैक्शन है ना। देखो यहाँ पर ये पूरे की पावर फ्रैक्शन है। अब अगर पूरे की पावर फ्रैक्शन है, तो देखो क्या होगा कि अगर हम 1 + 2/t³ को है ना u की पावर 3 मान लें, तो देखो ये फ्रैक्शन पावर हट जाएगी है ना। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 0 2 कांस्टेंट है, -3/t की पावर 4 और dt बराबर 3u² और du। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो पूरे की देखो फ्रैक्शन पावर यहाँ से हटेगी है ना। देखो ध्यान दो क्या होगा, देखो dt की वैल्यू रखनी है, dt की वैल्यू है ना। देखो dt बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 3 3 कैंसिल होगा, तो ये देखो हो जाएगा u² t की पावर 4/-2 है ना। देखो dt की वैल्यू और du है ना, dt क्या हो जाएगा, देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, u² t की पावर 4/-2 और du। देखो ये हो गया माइनस, इसको हमने u की पावर 3 लिया, तो देखो ये u² बचेगा और t की पावर 4, और देखो dt की ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा u² t की पावर 4/-2 और du। अब देखो यहाँ से हमें ये t की पावर 4 को हटाना होगा, जो t की पावर 4 का देखो टर्म आ रहा है, इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन इस मेथड से थोड़ा सा टफ हो गया है ना। इस मेथड को अगर हम लगाएंगे तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो गया है, ध्यान दो है ना।
अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, अब देखो जैसे यहाँ पर टी की पावर 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, इसको लिखो जरा पहले बच्चों ध्यान से।